Hi students, welcome to Emmanuel Pundi, January 2021, Class 7, Subject Mathematics. Previous chapter में हमने exercise 11.1 के questions करे थे, जो question number 8 तक हमने complete कर रहे थे. कुछ parents ने मुझसे complain करके कहा कि हमारे साथ साथ लिखा करो सर. मतलब जैसे कि मैं solve करूँ board पर और वो लिखो. तो जैसा possible है सर और मैम, वो मैं वैसा ही कर रहा हूँ. ठीक है. Now नेक्स्ट आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2. शुरू करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है. अब उसको निकालने के लिए पहले आज हमें सीखना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालते कैसे हैं या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते कैसे हैं. फॉर्मूला कैसे आया डायरेक्टली वो समझाने जा रहा हूँ आपको. सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल. और कुछ पेरेंट्स ने तो ये भी कंप्लेन की है कि वीडियो 1080 पिक्सल्स में डाले. तो मैं आपको बता दूं, पिक्सल्स आप 720 पिक्सल्स में इसको चला के देखिए. मैंने डाला है 720 पिक्सल्स में, बहुत बढ़िया क्लियर दिखती है. और ये जो व्हाइटिश एरिया है ना, यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक गोला सा बना रखा है जहां पे मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ. ओके, नॉट्स क्लियर. नाउ अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमें वैसे तो फॉर्मूला है इसका सीधा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. मेनी मोस्ट टीचर्स ये भी पढ़ाते हैं कि बेस इंटू हाइट अपॉन टू. बहुत आप सेम, दोनों ही सेम है. अब इसको समझो मेन चीज, क्योंकि ट्राइंगल में कौन बेस होता है कौन हाइट होता है ये कैसे पता लगाएंगे. तो आज आपको एक चीज बता देता हूं कि ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है वो ट्राइंगल की हाइट होती है. एल्टीट्यूड मतलब ट्राइंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से ट्राइंगल की दूसरी वाली साइड पर, वर्टेक्स के सामने वाली साइड पर 90 डिग्री जो एंगल बनाया जाएगा उसे एल्टीट्यूड कहा जाएगा. और वो ही ट्राइंगल की क्या होगी, हाइट होगी. आई बात समझ रहे हैं. एंड दैट्स नॉट ट्राइंगल की ही नहीं, किसी भी फिगर में आप एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पर 90 डिग्री बनाते हो तो वो उस फिगर की हाइट कहलाएगी. ओके, मोस्टली हम इसको, ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला है इसको मोस्टली हम ट्राइंगल और पैरेललोग्राम से रिलेट करके देखेंगे. मैक्सिमम सभी फिगर्स के लिए सही नहीं है ये स्टेटमेंट, हर एक के लिए अलग अलग प्रोसेस होता है हाइट निकालने का. लेकिन इधर यहाँ ये देखेंगे बस 90 डिग्री तो होता है, ये तो कंफर्म है. तो चलो पहले ट्राइंगल को देखो. एक ट्राइंगल है इस तरह का, दिस इज इट्स वर्टेक्स, ये इसकी वर्टेक्स है. तो क्या इसमें एक ही वर्टेक्स है? नो, देयर आर थ्री वर्टिसेस. इसके अंदर तीन वर्टेक्स होती है, एक तो ये है ए, एक बी और एक सी. तीन वर्टेक्स होती हैं इसके अंदर. ओके, नाउ तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप तीन वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो. यस, वी कैन ड्रॉ थ्री एल्टीट्यूड्स फ्रॉम थ्री वर्टिसेस. नाउ ये जो एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करते हैं वो 90 डिग्री एंगल बनाता है. दिस इज ए डी, तो दिस इज आवर हाइट एच. ये एल्टीट्यूड जिस साइड पे आके मिलेगी वो साइड हमारी होती है बेस. क्लियर है स्टूडेंट्स? सो एच ई आई जी एच टी, हाइट. आई बात समझ में? तो इसमें जरा गौर से देखिएगा कि इस ट्राइंगल में हम तीन हाइट्स बना सकते हैं, थ्री हाइट्स. कोई डाउट? ऐसे, दिस इज हाइट एच वन, देन दिस इज बेस बी वन, this is height h2, this is base b2, this is height h3, this is base b3. now here question arises, ye question hota hai ki sir ye teen height aur teen base ki kya requirement hai, kya zarurat hai. to beta question mein kahin par bhi kisi bhi side se kisi bhi vertex se wo aap se kya banwa sakta hai, height aur uski base, उसके थ्रू वो क्वेश्चन क्वेश्चन में ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करवा सकता है. अब एक चीज और, क्या ट्राइंगल की हाइट हमेशा ट्राइंगल के अंदर होती है और नहीं तो कहां कहां होती है? सो इसका आंसर है
कि ट्राइंगल की हाइट हमेशा ट्राइंगल के अंदर नहीं होती। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ट्राइंगल के अंदर मिले। आपने काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स पढ़े होंगे। काइंड्स ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स, साइड्स के हिसाब से हम पढ़े, तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं नॉट साइड्स एंगल, सॉरी, काइंड्स ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स। एंगल के हिसाब से पढ़े तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसके तीनों एंगल एक्यूट होते हैं। दूसरा होता है राइट एंगल ट्राइंगल और तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो आज एक बात नोटिस कर लीजिए अपने दिमाग में कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल में साइड एल्टीट्यूड्स हमेशा अंदर होंगी। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एल्टीट्यूड कहाँ मिलेंगे, बोर्ड पे देखिए मैं दिखाता हूं। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल। इन दिस केस यहां पे भी तीन वर्टिसेस हैं, तो तीन एल्टीट्यूड होने चाहिए। बट रिमेंबर वन थिंग बेटा, जब आप पी क्यू को हाइट लेते हो तब आपकी बेस बन जाती है क्यू आर, और जब आप क्यू आर को हाइट लोगे तो आपकी बेस बन जाएगी पी क्यू। क्यों, व्हाई इट इज सो? बिकॉज 90 डिग्री इज ऑन द साइड्स, ये साइड्स के ऊपर ही 90 डिग्री बना हुआ है, दैट्स व्हाई। और तीसरा क्यू पॉइंट से बनेगा और ये मिलेगा क्यू एस। क्यू एस आपको हाइट मिलेगी तो आपका बेस होगा पी आर। गॉट इट? समझ में आया? तो थर्ड थिंग, अब इसके बाद तीसरा ट्राइंगल जो हम जानना चाहते हैं वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में कहाँ होता है? इट्स इनसाइड, वन इनसाइड एंड टू आउटसाइड। एक इनसाइड मिलेंगी और दो बाहर की तरफ मिलेंगी। कैसे? देखिए, अंदर की तरफ मैं बता देता हूं आपको कौन सी मिलेगी। क्यू पॉइंट से बनने वाली क्यू एस, तो ये अंदर की तरफ से हो गई और ये आपकी बेस हो गई। बट आउटसाइड कौन सी है? जब आप पी वर्टेक्स से आप ड्रॉ करोगे तो ये आपका एटीट्यूड बाहर आ जाएगा। 90 डिग्री कहाँ आएगा? बिल्कुल बाहर। और ये आपके क्यू आर साइड को एक्सटेंड करने पे मिलेगा। सो इन दैट केस स्टूडेंट्स को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हाइट तो आपकी पीटी होगी बट बेस टी आर नहीं, बेस क्यू आर ही होगा। बेस कौन होगा? क्यू आर, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अब सर आप कह रहे थे तीसरा एल्टीट्यूड, तो वन थिंग, सेम जैसे हमने इधर डाला वैसे ही आर पॉइंट से एल्टीट्यूड बाहर की तरफ ड्रॉ होगा और इस साइड पी क्यू साइड को एक्सटेंड करने पर मिलेगा। ऐसे आया, समझ गए? दैट्स हाउ, इफ हाइट इज क्यू पी क्यू आर एस टी यू आर यू, देन बेस इज पी क्यू। अगर हाइट आपकी आर यू है तो बेस कौन हो जाएगी? पी क्यू। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके आएगा भी नहीं, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट। आएगा नहीं आएगा वो तो अलग बात है, लेकिन डोंट बी कंफ्यूज। बस आपको क्या आनी चाहिए, हाइट फाइंड करना और बेस फाइंड करना आना चाहिए। दो इस तरह हमारा ट्रायंगल का एरिया जस्टिफाई हुआ। ओके, नाउ आगे हम प्रोसीड करते हैं सेम एज फॉर द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए भी देखेंगे हम, बिल्कुल रिलेटेड एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। अब इसमें हाइट क्या होगी? सेम एज जैसे कि हमने ट्राइंगल में बनाई थी 90 डिग्री, वैसे ही
ये आपका पैरेललोग्राम होता है बेटा। पहले तो ये जान लो पैरेललोग्राम में क्या खास बात है कि दोनों अपोजिट साइड्स एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल। अब पैरेलल है तो इसके चार वर्टिसेस हैं ए बी सी डी, और ये जो आप बना रहे हो 90 डिग्री डी से ए बी पर, ये इसकी हाइट होगी और ए बी इसकी बेस। सिमिलरली इसमें आपको चार हाइट और चार बेस मिलेंगी देखने में तो, लेकिन कह सकता हूं मैं इसके अंदर में टोटल 8 हाइट और 8 बेसेस बन सकती हैं अकॉर्डिंग टू मी। देखा जाए तो डायग्राम बहुत बड़ा बनेगा, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, बट आप बेसिकली यही देख लो कि जब डी से बनाऊंगा अंदर से और बी से बनाऊंगा तो भी अंदर होगी, जब सी से बनाऊंगा हाइट बाहर, और जब ए से बनाऊंगा तब भी हाइट बाहर। सो दिस इज हाइट कंसेप्ट। जब डी से बनी तो हमारी बेस ए बी, और जब सी से बनेगी तब भी बेस ए बी होगा, गॉट इट? और जब इधर से बनाऊंगा ए से तो बेस सी डी, और बी से भी बनाऊंगा तो भी बेस क्या होगी हमारी, सी डी। तो इस तरह 1 2 3 4 चार हाइट्स मिली और बेस कितने हैं, दो। अब इसी का उल्टा देख लो, अगर ये फिगर ऐसा बना हुआ होता तो आपको ऐसे हाइट्स, ये वर्टिकल हाइट्स मिलती है ये वाली एच एच एच, और ये बेस नाम लिख देता हूं मैं पी क्यू आर एस, ये आपकी हाइट्स हो जाएंगी। तो आपके दो बेसेस यहां से मिलेंगे, तो इस तरह आपको चार बेस और चार ही हाइट्स मिलती हैं, 8 हाइट्स मिलती हैं, ठीक है? तो ये था हमारा पैरेललोग्राम का बेस और हाइट कंसेप्ट, गॉट इट? हाँ, मानता हूं मैंने ज्यादा डीपली नहीं समझाया पैरेललोग्राम को जितना डीपली ट्राइंगल को समझाया, लेकिन कंसेप्ट वही है जो ट्राइंगल में यूज करी है। अगर आप व्यूअर्स को गौर से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इससे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? फिगर्स देखो और समझो सिर्फ। आज के लेक्चर में बस यही एक्सरसाइज हम कल शुरू करेंगे। थैंक यू।